नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कर्ण स्वर का रियाज कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। मैंने कर्ण स्वर पे एक वीडियो बनाई है अभी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लें। और दोस्तों, ये जो रियाज मैं आपको बताने वाला हूं, ये मुझे या हमें, मेरे पूरे बैच को, जब मैं मास्टर ऑफ म्यूजिक करता था बीएचयू से, वहां पे बताई गई थी। और प्रोफेसर ऋतिक सान्याल सर ने, जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े गायक हैं, विशेषता ध्रुपद के, उन्होंने हमें बताई है, वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या करना है कि आपको मुख्य स्वर पे आने से पहले एक या दो स्वरों को छू के आना है। जैसे अगर आप सा स्वर का रियाज कर रहे हैं तो सा के आगे का एक स्वर छू लें और सा के पीछे का एक स्वर छू लें। लाइक सा, ये हो गया मुख्य स्वर सा। जब मैंने सा ऐसे किया तो मैं रे को छू के आ रहा हूं, रे सा रे सा। अब सा के पीछे को सर को छू के आइए, सा 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 नी सा। इस तरह से कर्ण स्वर का रियाज करना चाहिए हमें, रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी मैं स्वरों में कर रहा हूं, आकार में आप इसे करिए, लेकिन स्वरों में रियाज करने के बाद ही आप आकार में करिए। इस तरह से दोस्तों आपको कर्ण स्वर का रियाज करना है। जब आप आकार में इस तरह से कर्ण स्वरों का रियाज करते हैं तो आप जब आलाप लेते हैं तो उस आलाप लेने में एक खूबसूरती आ जाती है, एक सौंदर्य आ जाता है। तो दोस्तों, ये रहा कर्ण स्वर का रियाज, आप इसे अपने रियाज में शामिल करिए और फिर देखिए आपके गले में खूबसूरती आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूं, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ। जो चुके नहीं वो बार हम। क्या आपने सब्सक्राइब किया? अगर किया तो यस टाइप करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछें।